सुपल भाई नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा, आपकी जब भैंस या गाय बच्चा देती है तो उस समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, या आपकी बकरी जब बच्चा देती है तो हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और हमें किस तरीके से आप अपने पशु का जहर जो होता है वो नॉर्मल एकदम बिल्कुल आसान तरीके से 1 से 1.5 घंटे के अंदर कैसे निकाल सकते हो। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ यूज़ करने हैं। बहुत सारे पशुपालक जो गलती करते हैं इस वजह से उनकी जो गाय भैंस होती है दूध बहुत कम कर देती है। तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ देना चाहिए। तो पशुपालक भाई देखिए, जिस समय आपकी गाय या भैंस बच्चा दे रही होती है सबसे पहले आप इस चीज़ को नोटिस करें, उसको खूंटे से आपने जो अपने पशु को खूंटे में बांध रखा उस खूंटे को खोल दें। अब आप सोचोगे आप खूंटे से खोलने क्यों बोल रहे हो। आप ये चीज़ अगर आपके पशु के पेट में अगर बच्चा उल्टा है तो पशु को ऑटोमेटिकली ऐसा चीज़ होता है कि उनको पता चल जाता है कि हमारे पेट में बच्चा उल्टा है, ठीक ना पशु को। तो आप उस जैसे मैं खूंटा से खोलते तो वो 10 मिनट अगर राउंड मार दे आपके पशु का नॉर्मल डिलीवरी एकदम तय है। ये चीज़ आप जान लो पशुपालक भाई। साथ ही साथ पशुपालक भाई, जिस समय आपकी गाय भैंस बच्चा दे रही होती है उस समय आप एक काम करो, सोफ जो सोफ होती है सोफ का आप धुआं कर दो, यानी कि सोफ जो होती है उसका एक धुआं कर दो। आप जब देखो जब उसका धुआं करोगे आपके पशु के जो आसपास में जो एंटीबायोटिक यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो जाते, और आपके पशु को ऑक्सीजन बहुत ही भरपूर मात्रा में मिलती है, जिस वजह से आपकी जो भैंस है वहाँ पर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। साथ साथ वहाँ पर वो एंटीबायोटिक का भी काम करता है, ठीक दोस्तों, और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पर्याप्त होता है जो कि आपके भैंस का या गाय का जो बच्चा होता है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। तो पशुपालन में हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आप इस वीडियो फर्स्ट क्लास तक जरूर देखें, और साथ साथ मैं आपको बता, आप इस चैनल पहली बार आए तो प्यार से लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पशुपालन की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपके साथ मिलता रहता है। पशुपालन में देखिए, जिसमें आपके भैंस ने बच्चा दिया आप कम से कम 30 मिनट तक भैंस को अपने बच्चे के पास रखो, यानी कि जो भैंस ने बच्चा दिया है उस बच्चे को आप कम से कम 30 मिनट तक माँ को आप दें, उनको चाटेंगे अच्छे से, उनके ऊपर देखोगे जो जेल होती है और जेल उनका पूरा ख़त्म हो जाता है। साथ साथ जो उनके ब्लड की जो संचलन होती है, जो उनके बॉडी में जो ब्लड होता है, जो पशु के बच्चे में जो ब्लड होता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रभावित होते हैं, यानी कि जो उनकी माँ उनको अच्छे से चाटती हैं पूरा उनका जेल साफ करती हैं। साथ साथ किसान भाई, आप अपने पशु का जो मुंह में जो जेल होता है वो निकाल दें, नाक में कुछ जेल होते हैं वो निकाल दें पशुपालक भाइयों, और आप सीधी सी आप अपने भैंस को दे दें, बच्चे को चाटेगी, जितना वो बच्चे को चाटेंगे उतना वो बच्चा स्वस्थ होगा पशुपालक भाइयों, आप इस चीज़ को जान लें। और हर हमेशा कोशिश करें जब आपके पशु बच्चा दे रही होती हैं आप उसको खींचने के प्रयास ना करें, यानी कि आप जो खींचते हो जबरदस्ती खींचते हैं वो किसान भाई आप गलती ना करें। हाँ आप देख लो अगर 10 मिनट 15 मिनट तक ऐसा हो रहा है सिचुएशन तो आप रेयर केस में आप कैसा कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें पहले ना। जब आपके पशु ने बच्चा दे दिया तो उसके जो खुर होती हैं खुर में देखो व्हाइट व्हाइट जब जैसा स्क्रीन पर देखो उसको क्या करो, हल्का उंगली से उसको तोड़ तोड़ कर निकाल दो, ठीक पशुपालक भाई, जिससे उनको खड़ा होने में तसल्ली मिल जाएगी, पशु को ज़्यादा छटपट दौड़ धूप करेंगी उनको तसल्ली मिल जाएगा। साथ ही साथ पशुपालक आपको क्या करना है, 5 से 10 आम का पत्ता आपको लेना है, कितना 5 से 10 आम का पत्ता आपको लेना है, और कम से कम उसको 1 लीटर पानी में बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद जब वो आधा लीटर बच जाए तो आप क्या करो, आप अपने पशु को नॉर्मल एकदम ठंडा होने दो, उसमें हल्का सा गुड़ मिक्स करके आप अपने पशु को पिला दो, जिससे कि आपके पशु का जो जड़ होता है वो आधे से 1 घंटे के अंदर गिर जाएगा। बहुत सारे पशुपालक भाई को मैंने देखा है जब गाय का जड़ या भैंस का जड़ गिरता रहता है उसके जड़ में कुछ ईंट बांध देते हैं या फिर कोई कुछ तरीके से चीज़ बांध देते हैं जिससे वो जड़ पे वजन पड़ता है और उसका जड़ निकल जाता है, लेकिन आपको पशुपालक को ऐसा कभी भी ना करें। अगर आप जड़ को ज़बरदस्ती ईंटे में बांध के लटका कर रखे हो एक तो गाय को चोट लगती है, दूसरी बात जो जड़ ज़बरदस्ती निकलता है वो वहाँ पे प्रॉब्लम आपको कर सकता है पशुपालक भाइयों, और करता ही है। और साथ साथ पशुपालक भाइयों मैं आपको बता दूँ, अगर जड़ आपके पशु का गिर जाता है जड़ गिरने तक का वेट आप ना करें, आपकी बछड़ी का जो वजन है भैंस के जो बछड़ी का जो वजन है आप देख ले 30 से 35 किलो उसकी वजन है, आप क्या करें 1.5 लीटर उसको दूध सुबह में पिलाएं और 1.5 लीटर दूध शाम में उसको पिलाएं। अब आते हैं जो उनके अड्डर में जो गादुर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गादुर बोलते हैं, कोई बोलता है दूध कोई फेनुस बोलता है, कोई बहुत सारे नाम सुनकर जाना था, लेकिन हम लोग गदरी उसको बोलते हैं या गादुरी बोलते हैं हम लोग, जो उस समय पशु के मिल्क होता है जो उनके अड्डर में होता है मिल्क वो सबसे बेस्ट कैल्शियम माना जाता है पशु के लिए। बहुत सारे पशुपालक भाई वहाँ पे क्या गलती करते हैं किसान भाइयों,
जो देखते हैं अडर बहुत बड़ा है तो वो क्या करते हैं, 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो तक उसका एक टाइम दूध निकाल लेते हैं। आपको ऐसा गलती नहीं करना है पशुपालक भाइयों। आप एक काम करो, आपने अगर 1 लीटर भी दूध उसका निकाला है तो चार 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 जो थने होते हैं, चार चार थने से आपने 1 लीटर दूध निकाला, ठीक पशुपालक भाई? आप क्या करते हो, उस दूध को फेंक देते हो। आप उस दूध को ना फेंकें, आपके पास जो पहले से ऑलरेडी गाय या भैंस है उसको गुड़ में मिक्स करके आप दे दो, वो पी लेंगे, उनसे उनके पशु को कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। साथ ही पशुपालक भाई, अगर आपने अभी निकाला 2 घंटे बाद, जिस समय आप बच्चे को दूध अगर फीडिंग करवा रहे हो, दूध दे पिला रहे हो, उस समय फिर उसको 1 लीटर निकाल, कोशिश करें कि कम से कम मात्रा में 1 लीटर से स्टार्टिंग करें दूध निकालने के लिए, ताकि जो आपकी गाय भैंस जो है उनकी जो शक्ति है, हार्मोन्स वगैरह, कैल्शियम मिनरल्स विटामिन्स है, उनके शरीर में बरकरार रहे। अगर आप पूरा दूध अगर उसका निचोड़ लेते हो, यानी कि मेरे कहने का मतलब है आप अपने पशु का आधा से भी ज़्यादा अगर दूध निकाल लेते हो या फिर हाफ दूध निकालते हो, तो वहाँ पे आपके पशु का जो है बिल्कुल हड्डी एकदम खोखली हो जाएगी। 10 से 15 दिन होते होते आपके पशु पूरी हड्डी और खोखली हो जाएगी। आप फिर बोलोगे पशुपालक, मेरे पशु के ऊपर मैं कितना भी फीडिंग करवाता हूँ, कितना भी कुछ देता हूँ, आप मेरे पशु का तो दूध ही नहीं बढ़ता, या फिर वो गाय मोटी नहीं हो रही, या फिर भैंस मोटी नहीं हो रही है। तो आप कोशिश करें कि 1 लीटर के हिसाब से दूध निकालें, उससे ज़्यादा आप कोशिश ना करें पशुपालक भाई। 1 पाव यानी 250 ग्राम एक से निकाला, 250 ग्राम एक से निकाला, 250 ग्राम एक से निकाला, 400 ग्राम आपने निकाल लिया पशुपालक भाई, टोटल आपका 1 लीटर हो गया। दो दो घंटे पे हमें निकालना है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू हमें 5 लीटर निकालना है पशुपालक। ये गलती आप कभी भी ना करें, ये बिल्कुल जायज है, 100% सिक्योर है कि आप आधा लीटर 1 लीटर तक दूध निकाल सकते हैं चारों थनों से, ठीक पशुपालक भाइयों? अब बात करते हैं सर फीडिंग क्या करवानी। तो बहुत सारे पशुपालक भाई क्या करते हैं, जब गाय बच्चा दे देती है, जहर भी गिर जाता है, तो भैया दूध के चक्कर में आप क्या करते हो, उसको दह दनादन फीडिंग करवाते हो, खली रहे, भूसा रहे, चोकर रहे, दाल रहे, ये रहे, वो रहे, जो भी आपको दिल करता है आप उसको देते हो, क्योंकि अधिक मात्रा में दूध देती होगी। तो पशुपालक भाई मैं आपको बता दूं, कम से कम 11 दिन तक आप अपने पशु को ड्राई फीड, यानी कि ड्राई फूड जो होता है, जैसे कि मान लो भूसा हो गया ड्राई, यानी कि जो सूखा हो चारा हो गया भूसा, आप कोशिश करें 11 दिन तक हरा चारा उसको ना दे। अब आप बोलोगे सर हरा चारा क्यों ना दे हम, तो पशुपालक आप जानते हो कि जितना हम अपने पशु को हरा चारा खिलाते हैं उतना ही हमारे पशु का यूरिन यानी उतना ही हमारे पशु का पेशाब निकलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप अगर हरा चारा ज़्यादा दे रहे हो भरपूर मात्रा में, तो आपकी जो गाय या भैंस नहीं बियात किया वहाँ पे क्या होता है पशुपालक भाइयों, आपकी भैंस का और गाय का मूत्र मार्ग के जरिए, यानी कि जो पेशाब से के जरिए उनके पूरा आयरन वगैरह से निकल जाते हैं। यहाँ पे एक नुकसानदायक चीज़ ये होता है, क्योंकि उस समय जिस समय हमारे पशु ने बच्चा दे रखा होता है, उस समय पशु का पूरा जो बॉडी है वो न्यू यानी कि आंत होती है, यानी कि नई आंत होती है, उस समय हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। कम से कम 11 दिन तक आप कोशिश करें, 11 दिन तक आप भूसा, वो भी भूसा कैसे दें आपको मैं बता दो, भूसा एक काम करो, जितना वो भूसा खाती होंगी उसका आधा भूसा आप उसमें हल्का सा गर्म पानी छीट दो, हल्का गर्म पानी छीटोगे तो वो एकदम भूसा नरम हो जाएगा, उसमें आप चोकर डाल दो, ठीक पशुपालक भाइयों? सुबह शाम उसको चोकर दें और हरा चारा दें, ये सॉरी हरा चारा भूसा दें, तो आप देखना वो खाएंगे, धीरे धीरे आप उसको खाना बढ़ा सकते हो, लेकिन चोकर और भूसा पे आप जरूर कोशिश करें रखें, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे पकड़ बनता है हमारे पशुपालक भाइयों कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पशु का सबसे बड़ी चीज़ है बेस। अगर उसका बेस मजबूत हो गया तो दूध आपके पशु 100% आप जितनी ख्वाब में सोचते हो उतना वो दूध देगी देगी। तो पशुपालक भाई देखिए, जब आपके पशु ने बच्चा भी दे दिया, पर डे आप आते पानी पिलाने की बात करते हो, तो आपको क्या करना है, सौंफ का धुआं तो आपने कर ही दिया है, ये तो मैंने आपको पहले बता दी, अजवाइन, मंगरेला जिसको कलौंजिया भी बोलते हैं आप लोग, और साथ साथ आपको लेना है गुड़, 20 लीटर पानी में अच्छे से इसको डाल देना है, यानी कि जो हमारी अजवाइन वगैरह है, कलेजुआ वगैरह है, इस सब को अच्छे से मिक्स कर ले, ग्राइंड कर दें, और इसमें सोठ कम से कम 25 से 30 ग्राम सोठ, ये तीन चीज़ आपको क्या करना है, सिलबट्टे पे पीस लेना है और इसको गर्म पानी में डाल देना है। गर्म पानी में जब आप डालोगे इस पानी को, कम से कम 1 लीटर पानी में डालना और कोशिश करना कि आधा लीटर पानी हो जाए। जब ये आधा लीटर पानी में हो जाए तो इसमें आपको 250 से 1/2 किलो तक गुड़ आपको मिक्स कर देना, आपके पशु के वेट के हिसाब से इसमें आपको गुड़ मिक्स करना और 20 लीटर पानी में इसको अच्छे से मिक्स कर देना। आपके पशु को जितने बार प्यास लगे आप कोशिश करें यही पानी उसको दें। अगर आप ये पानी दे रहे हो, अगर ठंडा पूरा ठंडा ही पानी आप वहाँ पे ना अप्लाई करें और गर्म पानी वहाँ पे दें, तो आप देखो आपके पशु जैसे वो पानी पियेंगे वैसे वैसे उनके पशु का, आपके पशु का जो यूट्रस यानी बच्चेदानी वहाँ पर साफ होती जाएगी। साथ ही साथ कोशिश करें पशुपालक भाइयों, सरसों का तेल, गुड़ और कच्चा हल्दी मिल जाए तो अति उत्तम,
आपको कच्चा हल्दी कम से कम लेना है 250 ग्राम कच्चा हल्दी, या फिर अगर सूखा हल्दी मिल रहा है तो आप कोशिश करें जो ड्राई हल्दी है उसमें आपको 200 ग्राम ही लेना है। लेकिन कच्चा हल्दी मिल जाए तो आधा किलो तक भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें क्या करें, कच्चा हल्दी को अच्छे से थकूच दें सिल्वर टेप पे, उसमें गुड़ डाल दें, तेल डाल दें, तेल कम से कम 200 ग्राम तक आप तेल डाल सकते हैं, सरसों का तेल। उसको अच्छे से मिक्स करके आप अपने पशु को दिन में 1 से 2 बार जरूर खिलाएं, सुबह और शाम जरूर खिलाएं। तो आप देखो आपके पशु का जो दूध की पकड़ है, वो दूध की पकड़ आपकी बेस मजबूत हो जाएगी पशुपालक भाइयों। ये 10 दिन तक रेगुलरली आप अगर यूज़ कर लिया तो आपके पशु का जो यूट्रस है बच्चेदानी वो साफ हो जाएगा। साथ ही साथ आपके पशु का जो दूध है, आप जितना फिर बनाना चाहते हो दूध, आपके पशु उस हिसाब से नस्ल पर आपको दूध उतना प्रोवाइड कर सकती है पशुपालक भाइयों। तो पशुपालक भाई आपको ये इतना चीज़ तो समझ में आ गया। अब बात करें जब 10 दिन हमारे पशु का हो जाए तो हम क्या करें। देखिए जी, आप हलवा अगर बना के दे रहे हो अपने पशु को पहले से स्टार्टिंग, यानी कि 1-2 दिन बाद हलवा बना के दे रहे हो, तो उसमें आप कोशिश करें मसूर की दाल जो कि गर्म होती है, मसूर की दाल आपको देनी है पशुपालक भाइयों। आधा किलो से आप स्टार्ट करें, यानी कि 1 पाव सुबह 1 पाव शाम से आप स्टार्ट करें मसूर की दाल। उसमें आप हल्दी का ज़रूर यूज़ करें। और साथ ही साथ पशुपालक भाई ये कंटिन्यू आपको 10 दिन तक ही देना है। 10 दिन के बाद आप जो भी फीड चेंज कर रहे हो पशुपालक भाई को, आप वो फीड वहाँ पर अप्लाई करें। लेकिन अचानक ऐसा नहीं कि आप पूरा फीड उसको एक ही बार अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं करना। जो आप जितना पहले फीड देते थे उसका आधा पहले आपको देना है, आधे से फिर तीसरे हिस्से पे जाना है, फिर पूरा फुल कोटा उनका पूरा फुल कर दें। और आप देखोगे आपके पशु का बेहतरीन तरीके से दूध उतर चुका और वो कंटिन्यू दूध देगी। तो पशुपालक भाई मैं आपको बता दूं कि 10 दिन तक आपको तो ये पहले सुरक्षा करना है कि आप अपने पशु को गर्म पानी पिलाएं, उसको जो भूसा में क्या करें, उसको हल्का सा गर्म पानी का छींटा मारें, भूसा को नरम करें, उसमें 1 से 1.5 किलो आप चोकर मिक्स करके दें, आप अपने पशु को खिलाएं। उसमें आप हो सके तो हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं पशुपालक भाई, यानी जो हल्दी होती है वो भी दे सकते हैं आपके पशु खाती हो तो। ठीक पशुपालक भाई, और जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं कि आप आम की जो पत्तियां होती हैं आप उनका पानी बॉयल करके दें, इससे आपके पशु का जहर अच्छे तरीके से गिर जाएगा। अगर आपके पशु को कितना बार भी प्यास लगे तो ठंडा पानी बिल्कुल भी अपना दे, गर्म पानी दे। और जब आपकी भैंस जब बच्चा दे रही होती है पशुपालक भाइयों, उस समय कोशिश करें या गाय कि उनके शरीर के ऊपर कुछ एक, मान लो एक ब्लैंकेट हो जो आप उनको उड़ाते हो ढंग से, आप उसको उड़ा दें पशुपालक भाई, जिससे आपके पशु का गर्माहट रहेगा। क्योंकि डिलीवरी के टाइम पशु को ठंड भी लगती है, कभी कभी ऐसा होता है गर्मी के मौसम में आपके पशु को ठंड भी लगती है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो आप कोशिश करें कि उनके ऊपर एक कंबल डाल दें, या फिर जो जूट होते हैं जूट का एक अच्छे से ओढ़ने वाला बनाते हैं आप, वो भी डाल सकते हो पशुपालक भाइयों। आप देखोगे आपके पशु की गर्माहट बनी रहेगी। साथ साथ अगर आपके बच्चे दे रखी हैं भैंस या गाय, उसको आप की जब गाय चाट ले अच्छे से पूरा क्लीन कर दे, आप उसको आराम से अपने हाथ से भी एक बार रफ कर सकते हो, यानी कि आपस में उनको रगड़ दो ताकि उनका ब्लड अच्छे से और बेहतरीन तरीके से हो जाए। तो ये सब चीज़ जो फॉर्म होते हैं, बेस जो चीज़ होते हैं पशुपालक भाइयों, मैंने आपके साथ शेयर किया। पशुपालक भाई देखिए, जो अजवाइन होती है आपको अजवाइन बंद नहीं करना है 10 दिन तक, सोठ कम से कम 50 ग्राम आपको पर डे यूज़ करना है 10 दिन तक। उसके बाद कलजीरी जो कि आप जानते हो, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक पशुपालक, ये तीन जो चीज़ है आप इसको अप्लाई कर दें। साथ साथ पशुपालक भाई एक आता है, कोई मेडिसिन आता है, कोई सा मेडिसिन यूट्रस क्लीन करने के लिए आता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो यूट्रस साफ करने के लिए, जो कि एक्सापार होता है या कोई यूट्रस अल्ट्रा क्लीनर होता है, कोई भी अच्छी कंपनी का आप एक यूट्रस क्लीनर ले लें, यानी बच्चेदानी साफ होने वाली दवाई ले लें, और अपने पशु को 100-100 ml जरूर दें 10 दिन तक। इससे आपके पशु का जो कचरे वगैरह मैल वगैरह होते हैं वो साफ हो जाएंगे, साथ साथ आपके पशु की जो रौनक हो बढ़ जाएगी। अगर आप पशु को नहलाना चाहते हो तो आप कोशिश करें सिर्फ उनके पीछे वाला भाग, जहाँ से उनका क्या बोलते हो ब्लड वगैरह लगा हुआ रहता है, तो वहाँ से सिर्फ आपको सफाई करनी है। ऐसा नहीं कि आप पूरी भैंस को या गाय को नहला देना है, ऐसा गलती भूल से भी ना करें कम से कम 10 से 12 दिन तक पशुपालक भाइयों। आपके पशु को जब भी ब्लड वगैरह कुछ लगे, छीटा उटा लग जाए या जर वगैरह गिर जाए, तो आप उसको सिर्फ पीछे से गर्म पानी से, यानी उसके जो गर्म पानी से आप आधा शरीर को ही किसी कपड़े से अच्छे से धो सकते हो, यानी कि धो भी नहीं सकते तो सिर्फ सेक सकते हो, ताकि उनका जो दर्द है पैन है वो आराम हो जाए पशुपालक भाइयों। और आप अपने पशु का
अच्छे से ध्यान रख सके पशुपालक भाइयों। तो ये जो चीज़ होती है सीक्रेट चीज़ होती है पशुपालक भाई, ये चीज़ आपको अप्लाई करना चाहिए। आप देखोगे आपके पशु का जितना भी आपने सोचा है दूध के लिए, वो दूध आपको प्रॉपर आपके भैंस या गाय दे सकती है पशुपालक भाइयों। तो ये वीडियो कैसे लगी पशुपालक को आप प्लीज़ मुझसे कमेंट से बताएं। अगर आप कोई इस तरह का अगर जानते हो इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ आप साझा कर सकते हैं हमारे पशुपालक भाइयों के साथ। तो धन्यवाद करता हूँ किसान भाइयों, आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखी तो धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, सभी किसान भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप इसी तरह वीडियो को शेयर कर और साथ साथ ही पशुपालक भाई जिन तक ये वीडियो शेयर करना चाहते हो, आप जिस सोशल मीडिया के थ्रू आप शेयर करना चाहते हो कर सकते हैं, ठीक किसान भाइयों, ताकि और किसी की हेल्प हो जाए पशुपालक भाइयों। तो धन्यवाद करता हूँ आप सभी को, तहे दिल से धन्यवाद जी। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ और आपके पशु को हेल्प करता रहूँ। तो धन्यवाद जी।